नमस्कार स्टूडेंट्स, नाउ रूल नंबर 3। हियर यू हैव गिवन टू टर्म्स मींस बाइनोमियल इन टू डिफरेंट ब्रैकेट्स एंड देयर इज मल्टीप्लिकेशन विथ बोथ ब्रैकेट। ओके, मींस दोनों ब्रैकेट में दोनों टर्म्स इक्वल है, हाँ, बट दोनों की साइन डिफरेंट है, यानी दोनों ब्रैकेट में टू टू टर्म्स है, दोनों टर्म्स इक्वल है बट दोनों की साइन डिफरेंट है, तो क्या होगा? स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, स्क्वायर ऑफ लास्ट टर्म, मींस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, लास्ट टर्म का स्क्वायर और बीच में माइनस। ओके, हाँ, यहां पर माइनस वाला ब्रैकेट आगे है, प्लस वाला पीछे है, जरूरी नहीं है, सपोज प्लस वाला आगे है और माइनस वाला पीछे है, फिर भी यहां पर तो माइनस ही आएगा, यहां पर चेंज नहीं होगा। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं, 2x + 3y, 2x - 3y। ओके, देन देयर इज मल्टीप्लीकेशन बिटवीन टू ब्रैकेट एंड टू इक्वल टर्म्स इन द ब्रैकेट, ओनली डिफरेंट इज साइन, हियर प्लस एंड हियर माइनस। सो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, 2² 4x² - 3² 9y², दिस इज योर आंसर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, बोथ ब्रैकेट्स आर इक्वल, एक में माइनस है एक में प्लस है, सेम थिंग, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, 3² 9x² 5² 25 माइनस 4² 16y² 7² 49। ओके, तो ये हुई हुआ रूल नंबर 3। अब हम समझेंगे इसी वीडियो में रूल नंबर 4, जो इसका उल्टा है, मींस यहां से यहां जाएंगे। तो नाउ रूल नंबर 4, सी हियर रूल नंबर 4 मींस x² - y² इज इक्वल टू x - y x + y। इसको हम कैसे रेकोनाइज करेंगे? तो देखो, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ लास्ट टर्म मींस एक परफेक्ट स्क्वायर होगा आगे, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर वाला टर्म होगा पीछे, और दोनों के बीच की साइन होगी माइनस। तो फर्स्ट का रूट सेकंड का रूट, एक ब्रैकेट में माइनस करके दूसरे ब्रैकेट में प्लस करके, हाँ, ब्रैकेट आगे पीछे हो सकते हैं, ये आगे ये पीछे चलेगा। तो देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, 9a² - 16b² ये परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है। देखो 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो देखो इसका रूट निकालो, 3a² - 16 - 4b² डायरेक्ट। कई बच्चे यहां गलती करते हैं, यहां से लिख देते हैं 9a - 16b, 9a + 16b, ऐसा नहीं करना है, पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर होना चाहिए, मींस 9 किसी का स्क्वायर है तो 9 3 का स्क्वायर है तो 3² यहां 9 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए 9 3 का स्क्वायर है, 3a² किया माइनस 4b² किया, दोनों साइड स्क्वायर है, बीच में माइनस है, इसीलिए अब फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। ओके, ऐसे हम फैक्टराइज करेंगे। चलो दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, देखो यहां पर हम 4 पावर लेते हैं, 4 पावर। ओके, तो देखो
81 का रूट क्या होगा 9x और 4 पावर का रूट होगा x स्क्वायर वॉल स्क्वायर माइनस 16 का रूट 4 y 4 पावर का रूट होगा y स्क्वायर वॉल स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर हो गए बीच में माइनस है सो फर्स्ट ब्रैकेट 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर एक में माइनस एक में प्लस हाँ बाहर वाला स्क्वायर हम नहीं लिखते बट अंदर वाला तो स्क्वायर लिखेंगे अब टू टर्म्स हो और दोनों के बीच प्लस हो ऐसी कोई फैक्टराइजेशन की मेथड नहीं है इसीलिए इसको हम कुछ नहीं करेंगे बट इससे आगे बढ़ेंगे देखो 9x स्क्वायर का रूट होगा 3x वॉल स्क्वायर 4y स्क्वायर का रूट होगा 2y वॉल स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर बीच में माइनस सो 3x माइनस 2y 3x प्लस 2y एंड सेकेंड ब्रैकेट थर्ड ब्रैकेट में 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर वही ओके तो ऐसे ये आंसर आ गया आपका नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 हियर 25 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 9 देखो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विथ न्यूमरेटर इसलिए इसको हम ऐसे फॉर्म में लिख देंगे अब आप जानते हो पूरे टर्म का रूट निकाल के उसका स्क्वायर करना है सो 25 का रूट होगा 5 एक्स स्क्वायर का x 4 का रूट 2 होल स्क्वायर माइनस y अपॉन 3 होल स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर है बीच में माइनस है मींस फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म ओके दिस इज योर आंसर तो यहां पर आज हम रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4 सीखे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे सीखेंगे तब तक के लिए गुड बाय